हमने कुछ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मैथ क्लास 4 टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2 सी क्वेश्चन नंबर 6 तो सीफ हैज टू स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट लेंथ 22 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर ठीक है सीएम को हम सेंटीमीटर पढ़ते हैं एंड वांट्स टू कट देम into equal lengths what is the greatest possible length of each piece okay students question number 6 में तो सीफ के पास दो different colors की रस्सियां हैं ठीक है एक रस्सी की जो length है वो 22 centimeter है और जो दूसरी रस्सी की length है वो जो 40 सेंटीमीटर है ठीक है तो हमने फाइंड करना है बच्चों अगर वो रस्सी को काटे तो उसके इक्वल पार्ट्स होने चाहिए ठीक है इक्वल लेंथ होनी चाहिए तो उसके लिए कह रहे हैं कि क्या हम ग्रेटेस्ट लेंथ उसकी करेंगे बनाएंगे जिससे हमें क्या बताना चाहिए कैसे बताना चाहिए कि वो क्या कौन सी लेंथ है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको रस्सी को कट करें तो वो इक्वल पीस में डिवाइड होगी ठीक है इक्वल पीस में कट होगी तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में हमें फर्स्ट क्या दिया गया है लेंथ ऑफ डिफरेंट स्ट्रिंग्स ठीक है टू डिफरेंट कलर्स की हमें स्ट्रिंग दी गई है उनकी लेंथ क्या है एक की 22 सेंटीमीटर और दूसरे की क्या है 40 सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमने फाइंड किया करना है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ठीक है ये बच्चों हमने फाइंड करना है ठीक है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कि क्या बड़ी से बड़ी लेंथ होनी चाहिए अब बच्चों ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब ग्रेटेस्ट बड़ी फाइंड करनी है तो मैंने आपसे कहा था जब बिगेस्ट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट का वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो बच्चों जो वैल्यूज हमें दी होती हैं उनका हमने एचसीएफ का फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो फर्स्ट में जो वैल्यू है 22 इसका मैं फाइंड करने लगी हूँ अब बच्चों लास्ट में इवन नंबर है तो 2 के टेबल से सॉल्व होगा 2 का टेबल कहाँ तक रीड करें तो 1 आता है सॉरी 2 आता है 1 तक 2 1s are 2 अब ये भी 1 तक रीड करें 2 1s are 2 अब बच्चों ये 1 नहीं ये 11 है ठीक है तो 11 किस टेबल में आता है इटसेल्फ अपने टेबल में सिर्फ आता है तो 11 1s are 11 ठीक है फ्रेंड्स आपको पता है ना तब तक सॉल्व करते हैं जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए ठीक है तो ये रिमाइंडर 1 आ गया अब हमने किसके बनाने हैं 40 के सेकंड वैल्यू हमारे पास 40 है तो इसका लास्ट डिजिट इवन है टू से सॉल्व करेंगे टू का टेबल कहाँ तक रीड करें तो फोर आएगा बच्चों टू जा ठीक है टू टू जा फोर जीरो एज इट इज अब 20 लास्ट में इवन नंबर है टू के टेबल से टू टेन जा 20 ठीक है अब ये भी टू से सॉल्व होगा टू फाइव जा 10 ठीक है और फाइव किस टेबल में आता है अपने टेबल में फाइव वन जा 5 आप तब तक सॉल्व करना जब तक रिमाइंडर 1 ना रहे अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट में हम किसके लिखे थे 22 के ओके तो क्या है वो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 11 तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 11 अब हमने बच्चों लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 40 के 40 इज इक्वल टू तो वो क्या स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ठीक है स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 वो क्या है बच्चों 2 मल्टीप्लाई 11 ये मैंने लिख दिया ठीक है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 उसके क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिए ठीक है
अब बच्चों इनमें एक जैसा क्या है, कौन सा बिचा जो कॉमन है, टू है, तो हम टू के ऊपर सर्कल काट देंगे। ठीक है, ये हमने सर्कल काट दिया टू के ऊपर, ये हमारा क्या है कॉमन फैक्टर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, तो वो क्या बच्चों हमारा है टू। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ, सॉरी ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो क्या है बच्चों वो जो कॉमन है वही होगी हमारी टू, साथ में लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, ये बच्चों हमारी आई है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर सिक्स से रेलिवेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन है अहमद हैज टू स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड वांट्स टू कट देम इनटू इक्वल लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। इसमें भी स्टूडेंट्स टू डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिंग्स हैं जिनकी डिफरेंट लेंथ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने उसे कट करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ में, तो उसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरह ही इसका एचसीएफ लेना है और फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेलेवेंट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स और ये रेलेवेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है और इनका होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।